तो ये इस मूवमेंट में कोई पॉलिटिकल पार्टी का पार्टिसिपेशन कैसा रहा और मतलब क्या था? ये लोग जितना भी यहाँ पर राजनीतिक दल है, चाहे नेशनल हो या लोकल का जो भी नेता लोग हैं, कभी भी इस मुद्दा को अपना राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया, और ना ही वो लोग अपना पार्लियामेंट में या विधानसभा में इस बात को नहीं उठाया, पता नहीं क्यों। और हम लोगों को लगता है कि ऐसे वो करने से कंपनी से उसको फायदा नहीं मिलेगा। बहुत सारे नेता हैं जो कि यहाँ लोगों को ठेका मिलता है, उनके प्रत्येक वैकेंसी में उनके लोग नौकरी में जाते हैं, तो वो लाभ उसको नहीं मिल सकता है, तो इसीलिए शायद वो लोग नहीं कर। क्योंकि अभी अभी जो भी लोग यहाँ पर, चाहे एमएलए हो या चाहे एमपी हो, आज तक हम लोगों का इतना साल का लड़ाई में आज तक ना अखबार तक में वो लोग नहीं देते, और यहाँ का पब्लिक मर रहा है अपने तरीके से, जो अच्छा लगता है वो लड़ रहा है। और ये ठीका जो मिलता है ये प्राइवेट पार्टी को काफी मतलब काफी सारे काम ठीका में होता है। हाँ, मैक्सिमम काम जो जो खतरनाक जो काम होगा, जैसे अभी यहाँ पर एक ड्रेन बन रहा है, वो मिट्टी का खुदाई हो रहा है, लेकिन मिट्टी खुदने के टाइम में वो यूरेनियम का कचरा ही वहां पर जमा है। पहले क्या था कि आप ये सब मूवमेंट होने के बाद में कंपनी थोड़ा सा कचरा को डायरेक्ट नाला में नहीं फेंक रहा है, पहले क्या था कि वो नाला में भी आ जाता था, और बारिश के टाइम में उधर से इतना ज्यादा बह के आएगा और उसका किनारे किनारे में कचरा ही जमा हुआ रहता था। तो उस अभी अभी जहां पर फर्स्ट टेलीफोन के नीचे जो ड्रेन बन रहा है, उसको मिट्टी खोदने, क्या मतलब वो मिट्टी नहीं है, वो कचरा ही है उसमें, तो यहाँ का परमानेंट जो लेबर है वो काम करेंगे नहीं उससे। वो जो बाहर का जो सस्ता मजदूर होगा, जो अनपढ़ लोग होंगे, और हमारा देश तो इतना ज्यादा लोग भुखमरी और बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, किसी भी तरह का काम दीजिए वो लोग आसानी से काम करता है, और वो लोग 2 महीना 3 महीना काम करके चले जाते हैं। बाहर से मतलब कहाँ से? यहाँ से करीब 5-10 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं, वो जो आदिवासी लोग। आदिवासी लोग, और उसमें ऐसे है कि 2-3 महीना काम किया, उसके बाद फिर वो अपने घर में कहाँ कैसे हो रहे हैं, क्या बीमार पड़ रहे हैं, क्या उसका रेडिएशन से क्या असर हुआ है, उसका कोई जांच नहीं, मतलब कोई ये लिखा नहीं सर्वे जा में रहा भी है, तो उन लोगों का हेल्थ का कुछ बारे में कुछ नहीं हुआ? कुछ कुछ नहीं। यहाँ का जो यूनियन बोलिए, यहाँ का कोई भी नेता बोलिए, इस बात को उठाते नहीं है। तो आप लोग और क्या उन लोगों से काम करने के लिए कुछ सोच रहे हैं? हम लोग जब भी बात को उठाते हैं, तो कंपनी के पास तो काफी ताकत है, बहुत पैसा भी है, और नेता लोगों का सपोर्ट भी लेता है, जो हम लोगों के खिलाफ में कुछ लोग हैं जो हम लोगों के खिलाफ में बोलते हैं कि ये लोग गलत है, यूसीएल को बंद करेंगे, या बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलता है, हम लोगों के खिलाफ खड़ा कर देता है। आंदोलन के टाइम में भी हम लोगों को बहुत मुश्किल से करना पड़ता है, पुलिस का टॉर्चर इधर, सरकार धमकी देता है, कंपनी धमकी देता है, तो बहुत सहना पड़ता है। तो आप लोग उन लोगों को, वो जो अस्थाई मजदूर है, उन लोगों को लेके कुछ सोच रहे हैं उनको? हाँ, अभी हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे यहाँ अधिकतर जो खतरनाक काम है वो उन्हीं लोगों से किया जाता है। आप लोग देखे होंगे बुद्धा सिंह जादूगढ़ा में, जो राखामेस रेलवे स्टेशन से जो न्यूक्लियर वेस्ट का जो ड्राम जो अनलोड करता है यहाँ के आदिवासी लोग खाली हाथ से, तो ये तो बहुत ही खतरनाक और अमानवीय काम है, वो वैसे कंपनी को नहीं कराना चाहिए, लेकिन लोग को मालूम नहीं है कि कितना खतरनाक है, उन्हीं लोग से काम करते हैं, तो वो लोग किस परिस्थिति में हैं, क्योंकि वो हो सकता है कि वो एक ही दिन काम किया हो लेकिन जीवन भर का रेडिएशन मिला हो, तो ऐसे लोगों का भी सर्वे होना चाहिए। और इस यहाँ पर जितने भी ठेकेदार मजदूर है, जहाँ जहाँ से लोग आते हैं, सबका खबर लेना चाहिए, किस परिस्थिति में उसका परिवार है, वो आदमी अभी जिंदा है कि नहीं है, उसके बच्चे कैसे पैदा हुए हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है, ये एक बड़ा सर्वे का बात है।
ये सर्वे होना चाहिए। और ये हमारे ख्याल से हम लोग तो मूवमेंट करते हैं, लेकिन इसमें बड़ा डॉक्टर का टीम होना चाहिए ताकि वो सही चीज को वो सामने समाज के सामने ला सके। और उन लोगों के बीच में अवेयरनेस का, ये अवेयरनेस का भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तक जो भी UCIL हम लोगों के खिलाफ बोले हैं तो लोगों को लगना चाहिए कि नहीं, हम जो लड़ रहे हैं, हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं, और लोगों को महसूस होना चाहिए, ऐसे भी अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए। और ये मूवमेंट में हम लोगों को लाइक सपोर्ट कितना मिला अपने लोगों के बीच में से, ये जो आप लोगों ने मूवमेंट किया अपने परिवार से, या कैसा सपोर्ट मिला? हाँ, परिवार में देखिए, अभी हम लोग ऐसे, हमारे जो माँ बाप हैं बड़ी मुश्किल से, हम लोग भी बहुत गरीब घर के लोग हैं, हमारे बाप माँ बाप बहुत मुश्किल से पढ़ाया लिखाया, और लोगों का एक चाह था कि कंपनी में ये लोग नौकरी करें, लेकिन कुछ ऐसे समय आया, हम लोग भी सोचते थे कि नौकरी करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, लेकिन ऐसे समय आया कि नहीं, इतना बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ UCL उत्पन्न की, मम्मी पापा हैं दोनों कैंसर से मरे, तो हमको, हम अपना मन में सोच लिया कि नहीं, हम कैंसर का नौकरी नहीं करेंगे। और इसके खिलाफ वो लोग क्या UCL के, हाँ पिताजी UCL के मजदूर थे, और माँ जो है पिताजी का यूनिफॉर्म वगैरह धोते थे, तो उनको भी कैंसर हो गया था, तो हमने पहले कहाँ का कैंसर हुआ? पिताजी को फेफड़े का कैंसर से और माँ को पेट का कैंसर से, तो ये बहुत, वो लोग बहुत ही दुख से उसका मौत हुआ है, बहुत तकलीफ से, तो हमने सोचा नहीं ये हमको करना चाहिए, तो हम बिना नौकरी किए, आप तो ITI भी किए थे ना? हाँ, यहाँ अप्रेंटिस भी किया था, दो तीन बार हमको नौकरी के लिए भी बुलाया, लेकिन हमने नहीं किया। तो माँ बाप हमको हमेशा बोलते थे, भाई चाचा मामा सब लोग बोलते थे कि ये बेकार लड़का है, पढ़ लिख करके कुछ कर नहीं रहा है, ये सब बोल मूवमेंट कर रहे हैं ठीक नहीं है कंपनी का, क्योंकि मेरे मामा और चाचा लोग यहाँ नौकरी करते थे, तो वो लोग को बोला जाता था कि उनको बुलाओ, हम लोग अच्छा नौकरी देंगे, अच्छा पोस्ट देंगे, ये सब काम ठीक नहीं है। तो काफ़ी हमको मतलब घर से भी निकाल दिया था, 3 साल हमको घर से निकाल दिया था, तो हम छोटे छोटे बच्चे थे हमारे दो, और भी हमारा मिसेज थी, तो हम अपने ससुर जी यहीं नौकरी करते थे, तो उसका क्वार्टर में रह करके हम मोमेंट को संभाला, और वहाँ से भी कंपनी बोला, मेरा ससुर को टॉर्चर किया कि तुम घनश्याम बिरुली को क्यों रखे हो अपने घर में, तो बोला कि नहीं हम घनश्याम बिरुली को नहीं रखे, हम तो अपना बेटी को घर दिए हैं, तो वो लोग कुछ नहीं कर पाया, तो ऐसे करके मेरा मिसेस और मेरा साथी लोग कहाँ बहुत सपोर्ट किया मेरा आंदोलन में। और ये मतलब वुमेन्स पार्टिसिपेशन कैसा है? हाँ, वो आंदोलन में आगे में रहते थे, आगे में रहते, पुलिस का लाठी खाना ये सब, जेल जाना, तो बहुत, तो आप लोगों को जेल भी जाना पड़ा? हाँ, साथी लोग, क्योंकि हम लोग, हम और उनका, हम लोग जेल में नहीं गए क्योंकि आंदोलन को संभालना था, तो हम लोग लेकिन अंडरग्राउंड होकर के फिर आंदोलन को संभालते थे। तो ये कब का परिस्थिति था? जैसे ये हम लोग 95 से लेकर के 97 तक लगातार 2 साल बहुत जबरदस्त जबरदस्त आंदोलन था, तब ऐसा किया उन लोगों ने, पूरा जेल में केस दे दिया, केस दे दिया, काफी लोग जेल गए थे, और हम लोग घर में तो नहीं रह सकते थे, पुलिस समय से आता था, हम लोग घर से बाहर। तो ये उसके बाद क्या हुआ, उसका वो 95-97 के बाद? उसके बाद में उस समय ऐसे हुआ था कि था टेलिंग पॉइंट का जो काम शुरू हो रहा था, उसका हम लोग विरोध कर रहे थे, तो कंपनी को लगा कि आगे अभी काम नहीं कर पाएगा, तो यहाँ का जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है, कभी वो लोग आपस में मिलता नहीं है, लेकिन जादू घोड़ा का आंदोलन का डर से वो लोग एक होकर के मैनेजमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया, एक छोटा सा पैकेज तैयार करके प्रत्येक डिस्प्लेसमेंट का परिवार को एक एक नौकरी और 20-20 हजार रुपया का ये लोग
ये पैकेज तैयार करके, डिस्प्लेसमेंट मतलब जो ये थर्ड टेलिंग पॉइंट के लिए जिसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, तो उसका हम लोग कड़ा विरोध किया और फिर हम लोगों ने बड़ा आंदोलन का स्वरूप दे दिया कि नहीं, हम नेता यहाँ कोई जो भी यहाँ एमएलए एमपी जो भी लीडर लोग हैं वो लोगों का जमीन नहीं है, वो हमारा जमीन को कैसे बेच सकता है। तो फिर हम लोगों ने पूरा आंदोलन किया, फिर एक गांव से 10 गांव, 10 गांव से 50 गांव, फिर जिला से बाहर भी लोग आ गए, काफी सपोर्ट मिला। अच्छा, तो उन्होंने जमीन देने में इनकार कर दिया। हाँ, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को ये करना पड़ा कि नहीं, नेता लोगों का एग्रीमेंट को कैंसिल करके हम आप लोगों से बात करेंगे। तो स्टेट लेवल का पदाधिकारी है, यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, यहाँ का सीएमडी, सब मिल करके फिर हम लोगों ने ये किया कि जितने भी डिस्प्लेस हैं उनको सारे लोगों को कॉम्पनसेशन और सारे लोगों को जॉब मिलना चाहिए, छोटा बच्चा को भी सर्टिफिकेट दे करके बालिग होने से उनको जॉब दीजिए। तो इस तरह से किया और रेडिएशन का भी हम लोगों ने एग्रीमेंट किया कि यहाँ पर एक स्वास्थ्य सर्वे होना चाहिए और तकनीकी रूप में अगर या स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ रहना उचित नहीं होगा तो उन लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास करना चाहिए। मतलब जिसका जमीन टेलीफोन में नहीं जा रहा है, जो उसका बाजू में रहेंगे, तो ये सारा चीज हम लोगों ने किया। तो उसी का लड़ाई अभी हम लोग लड़ रहे हैं। कंपनी बोलता है ठीक है और हम लोग बोलते हैं ठीक नहीं। तो पर ये मिला, उन लोगों को जॉब मिला जिनका डिस्प्लेसमेंट हुआ। वो तो एक पार्ट था आंदोलन का। लेकिन असली लड़ाई तो हम लोग को रेडिएशन के खिलाफ लड़ना था। तो इसीलिए हम लोगों ने रेडिएशन के खिलाफ आवाज को ये किया। और हमारे जो पॉलिटिकल नेता लोग को डर था कि ये लोग, हो सकता है कि ये लोग इलेक्शन लड़ेंगे फिर हम लोगों का जगह छीन लेगा, तो ये भी वो लोगों को डर था। लेकिन हम लोग बार बार बोलते थे कि हम लोग का मूवमेंट को एक पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए। आप, हम लोग बाहर में आवाज़ उठाते हैं, कम से कम आप लोग अंदर में बात उठाई विधानसभा और पार्लियामेंट में, लेकिन किसी नेता ने इस बात को नहीं सुना। पर तब आप लोगों के मूवमेंट में जितने लोग शामिल हुए थे उन लोग को जॉब मिल गया तो वो मूवमेंट के बाहर हो गया ना। हाँ, जो लोग जरूरत है, मैंने मूवमेंट में क्या है कि ऐसे तो ऐसे बहुत कम परिवार था, उसमें केवल 10 या 15 परिवार था, लेकिन लड़ने वाले लोग 10 से 15 हजार लोग थे लड़ने वाले। तो उसमें से कुछ ही लोगों को नौकरी मिला ना, तो जिसकी जमीन गई उनको, तो उससे आंदोलन कमजोर नहीं हुआ। लेकिन वो किया गया कि उस जमीन से हट के जिनका जमीन नहीं गई है ऐसे लोगों को भी तो कंपनी पर लोभन दे के नौकरी दिया। तो हम कमजोर किया, कुछ लोगों को मतलब निष्क्रिय कर दिया, ना हुआ मूवमेंट को ना सपोर्ट किया ना विरोध किया, तो ऐसे भी तो कुछ लोगों को दिया गया। तो ऐसे उनके पास काफी स्कोप है, बोले किसी गांव में जाकर के बोलेंगे हम लोगों को यूसीएल भेजा है, आपके गांव में कितने लोग मैट्रिक पास हैं, कितने लोग ग्रेजुएशन किए हैं, आप लोग अप्लाई कीजिए, हम नौकरी देने के लिए तैयार हैं। तो मूवमेंट दब जाएगा, तो जो कि उनको कुछ मिलेगा नहीं, कुछ देगा नहीं यूसीआईए, लेकिन लोगों को नौकरी मिलने का आस में मूवमेंट को छोड़ देते हैं। पर नौकरी जब नहीं मिलता है तब क्या बोलते हैं? नौकरी वो लोग इंतजार करते हैं, जब तक उसका एज खत्म नहीं होता है तब तक वो लोग इंतजार करते हैं। और तो आश्वासन, जैसे लीडर लोग बोलते हैं ना कि मरने वाला को कुछ मत दीजिए तो कम से कम पानी देने का आश्वासन दीजिए, तो वही होता है। पर आंदोलन का उसमें से हट जाते हैं, तो यही हुआ है। तो अभी अगर ये रेडिएशन के खिलाफ आगे अगर फिर से मूवमेंट होगा तो ये इतने लोग आएंगे, मतलब क्या लगता है आप अभी लोगों? अभी तो लोगों को मतलब फिर से इस तरह का, अभी पहले हम लोग गांव-गांव में जा करके प्रोग्राम करते थे, फिर से प्रोग्राम शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय हम लोग आंदोलन में थे और आज का समय, उस समय अभी काफी लोग पढ़े लिखे लोग गाँव में है, जिस परिवार में एक भी पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो अभी उस घर में 2-3 लोग मैट्रिक पास आए, इंटर पास आए, तो बहुत सारे
मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे ख्याल से अभी अगर इस तरह का प्रोग्राम किया जाए तो एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। तो अभी आप कौन से इशू में फोकस करेंगे? अभी तो रेडिएशन ही मेन फोकस हम लोगों का होगा, क्योंकि यही मतलब बंद करने के लिए ही बोलेंगे यानी कुछ नहीं, अभी जैसे मान लिया अभी न्यू माइंस को हम लोग बंद करने का बात कर रहे हैं, न्यू माइंस हम लोग खोलने नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर जो हो चुका है वो उसको तो इसके रहते ही सुधारने का हम लोग कोशिश करेंगे कि आप यूसीएल इसको सुधारिए, जो भी गड़बड़ हुआ है सुधारिए। तो ये सुधारिए मतलब जो सेफ्टी मेजर्स लीजिए, हाँ, जो ओपन है हाँ, उसको, या जो लोग प्रभावित हुए हैं रेडिएशन से, जो लोग हो सक माने जैसे बहुत सारा ऐसे, जैसे एक अमेरिका में एक कानून बना है रेडिएशन एक्सपोजर कॉम्पनसेशन एक्ट 1999, तो वो लोग भी काफी साल से लड़ाई लड़े हैं और उसके बाद ही वो वहाँ का सरकार ने इस तरह का कानून बनाया, और जो लोग यूएसए वहाँ के यूरेनियम माइंस में काम किए थे और कैंसर से मरे हैं या रिटायरमेंट के बाद में अगर कैंसर से मरे हैं, या उस क्षेत्र में रहने वाले किसान को भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो सारे लोगों को कुछ डिजीज है जो ऑक्यूपेशनल डिजीज है, तो उनको ये कॉम्पनसेशन मिलने का वो कानून बनाया। तो हमारे देश में भी लोग काम कर रहे हैं सीआईएल में, यूरेनियम माइंस में, चाहे वो ठेकेदारी में हो या यहाँ का जो अस्थाई नौकरी करने वाले, वो भी तो इंसान है, उसका भी तो वो लोगों को भी लगेगा। तो ये हमारे देश के सरकार को भी कानून बनाना चाहिए। तो इसमें इस तरह का प्रोग्राम हम सोचते हैं कि वहाँ का कानून जो है उसका कॉपी श्री प्रकाश के पास है, तो उसको हम बोले हैं कि हिंदी में कीजिए ताकि यहाँ के लोगों को समझ में आए, और हम लोग इसको पब्लिश करेंगे, और यहाँ के मजदूरों का सपोर्ट जब तक हम लोगों को नहीं मिलेगा तो हम लोग का मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं हम उनके लिए भी कर रहे हैं, तो उनको लगे कि ये लड़ाई हमारे लिए लड़ रहा है तो हमको पहले जैसे सपोर्ट करेंगे। तो ये हम लोगों का ये डिमांड है कि इस क्षेत्र में जो भी लोग कैंसर से मरे हैं या बच्चे विकलांग पैदा हुए हैं, सारे लोग जानते हैं, यहाँ का अफसर सरकार भी जानता है कि रेडिएशन से कारण ही हुआ है, तो अगर इस तरह का कानून बनेगा तो सारे लोगों को ये कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। ये तो बहुत ही जरूरी है ये। तो ये हम लोग का यही मतलब मकसद है कि जितना भी लोग पीड़ित हैं उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए।